अतवाद खिलाफ ठोस रणनीति अपनावेगी केंद्र सरकार। अमित शाह ने बयान किया जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीरवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार देश अतवाद को खत्म करने लिए वचनबद्ध है और इस खिलाफ ठोस रणनीति नाल अगे बढ़ रही है। शाह ने यह भी कहा कि कानून और व्यवस्था राज का विषय है पर अतवाद की कोई खेतरी सीमावां नहीं हुंदियां, इसलिए सारिया सुरक्षा एजेंसियां केंद्र अते राज नू नजदीकी तालमेल नाल काम करना चाहिए है ता जो सांझी रणनीति तैयार करके अतवाद खिलाफ ठोस कदम चके जा सकन। गृह मंत्री ने इत्थे अतवाद विरोधी सम्मेलन भी बुलाया सी जिस च कहा गया कि सुरक्षा बलों नू नौजवान अधिकारियों नू सिखलाई देनी होवेगी अते अतवाद नाल नजिठण दे लई तकनीक दी वरतों भी करनी होवेगी। उन्होंने कहा कि 2014 च नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने तो बाद देश अतवाद विरुद्ध ठोस रणनीति नाल अगे वधण की गल कही सी, असी अतवाद खत्म करने लई वचनबद्ध हाँ। गृह मंत्रालय ने कहा कि हुण पूरी दुनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अतवाद प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति नू स्वीकार कर लिया है। 2014 तो अतवाद खिलाफ मोदी सरकार दियां प्राप्तियां नू उजागर करते हुए शाह ने पिछले दहाकियां विच अतवादी घटनावां दी 70% कमी दा जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि केंद्र अते राज सरकारां ने सांझे यतना सदका पिछले 10 सालां च जम्मू कश्मीर नक्सल प्रभावित खेतर अते उत्तर पूर्वी राज्यां दे विच हिंसा दा काफी हद तक काबू पाया गया। शाह ने कॉन्फ्रेंस दे विच राज पुलिस बलां दे नुमाइंदियां नू ज्यादातर DGP रैंक दे अधिकारियां नू भी इह कहा कि जिथे भी जरूरत होवेगी उत्थे गैर कानूनी गतिविधियां नू रोकण दे लई वड्डे कदम जिहड़े ने उह चक्के जाणगे।